है, बट वही अगर INS की बात की जाए, प्लेयर्स को रिवाइवल मिल चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, क्या वो अटैक यहाँ पे कर पाएंगे। मानिया को स्पॉट करके डाउन किया गया, जो पहला झटका है वो लग चुका है टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को, लेकिन बाकी के जो प्लेयर्स है वो सर्वाइव जरूर से करें। वो ग्रेनेड कनेक्शन बना सकता है, एक वेल गुड ग्रेनेड आएगा जरूर, लेकिन डॉज किया जाएगा क्या देखना पड़ेगा। बट नकुल उनके काफी करीब जाएगा, बिलियन उनको भी डाउन किया गया, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स वापस से इस फाइट में आते हुए। जोकर, चलिए शेन को भी डाउन किया जाएगा, जोकर इज द ओनली मैन स्टैंडिंग। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को शायद जो लोकेशन है वो पता नहीं, अभी के लिए वो जो कंपाउंड है उसके अंदर जाएंगे, पूरा कब्जा वहां पर करने वाले। जो एक प्लेयर उनका नॉक आउट है, रिवाइवल का जो सिलसिला है वो भी स्टार्ट होगा, और जोन के बिल्कुल एज पर हमें टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स देखने को मिलने वाले। हमें टीम INS की बात करें, वो जो एक खिलाड़ी नॉक आउट था, रिवाइवल उनको मिल जाएगा वापस से, फोर मैन स्टैंडिंग टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स। नाउ इट्स अ 4v2, बट शायद जो पोजीशन है वो रिवील्ड है AJ का। ये ग्रेनेड एक डिसाइडिंग ग्रेनेड हो सकता है, स्पॉट करके एक प्लेयर को डाउन किया, वो ग्रेनेड क्या कनेक्शन बनाएगा? जी नहीं, अभी भी वहां पर शेन जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से शायद ज्यादा देर तक नहीं वो जो मोलोटोव है वो फिनिश करेगा। एंड ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट, चार फिनिशेस के साथ। जी हां, बट थर्सिटी में ऑलरेडी मौजूद थी, अब वो रश करते नजर आएंगे। दैट इज गोइंग टू बी वन नॉक पुश, एक नॉक निकाला पुश करने की कोशिश, बट मान्या का शानदार कवर आएगा, प्रॉक्सी को यहां पर नॉक करा जाएगा। मोहित आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, स्मोक स्क्रीन बिछाना चाहते हैं, बट ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने अभी तक जो डिफेंड करके दिखाया, शुरुआत में भी उनके पास जोन था, उसके बाद जोन के बाहर हुए, रोटेशन दिखाई, और जो नेड की क्षमता ग्लोबल ईस्पोर्ट्स में देखने को मिलती है वो लाजवाब है। अभी भी ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के पास एडवांटेज, मान्या एक और प्ले को यहां पर नॉक करेंगे, वन नॉक पुश का पूरा पुश, धरा का धरा यहां पे रहेगा लास्ट मैन स्टैंडिंग। जो खेल आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, ज्यादा फायदा उनको नहीं मिलेगा। इसी के साथ ग्लोबल ईस्पोर्ट्स लगातार दो स्क्वाड्स को वाइप आउट करते नजर आएगी आपको। आठ फिनिशेस निकाल चुके हैं, जोन के भी अंदर हमें करना पड़ेगा किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे, लेकिन रॉबिन को उन्होंने स्पॉट करके डाउन किया, मैजिकल गेम प्ले में देखने को मिलता है। नक्स मिनट निकाल चुके हैं, डेल्टा पीजी उनको भी स्पॉट करके डाउन करेंगे। दिस इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वेल दिस इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नकुल यहाँ पे दो फ्रैक्स निकाल के केवल स्मोक को खत्म करेंगे, टोटल उनके पास चार फ्रैक्स हो जाएंगे। अभी भी स्मोक के अंदर रैंडम स्प्रे आपको देखने को मिल जाते हैं, एमजे वहां पे फंस चुके हैं, गाड़ी ब्लास्ट वहां पे हो जाएगी तो ज्यादा डैमेज उनको नहीं मिलेगा, आपको वो कवर में जा सकते हैं। बट वही अगर बात की जाए टीम अनस्टॉपेबल, जोन के बाहर ही फंसती हुई आपको नजर आ रही है। फेथ के आई थिंक यहाँ पे अंगू को भी यहाँ पे नॉक करा गया, तो उनकी भी मुश्किलें बढ़ चुकी है। जो करेगा प्लेयर को स्पॉट करते हैं, डैमेज काफी ज्यादा दे दिया, नेड अब कुक करके डालने की कोशिश उनके हुए, उनको पता है प्लेयर कहाँ है, बहुत आसानी से एक और फिनिश उनको मिलने वाला है। फिलहाल टीम अनस्टॉपेबल्स मेरे ख्याल से यहीं पर स्टॉप होते हुए नजर आएंगे। प्लेयर 03 की बात करें, वो भी यहाँ पर फिनिश के साथ छठे पायदान पे टीम अनस्टॉपेबल्स एलिमिनेट होते हुए। बट टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को आप देखिए, 13 फिनिशेस निकाल चुके हैं, डोमिनेशन हमें उनका देखने को मिलता है, और अब जो लड़ाई है वो चलने वाली है। हाइड्रा के साथ एक खिलाड़ी वहां पर नॉकआउट ऑलरेडी हो चुका है। टीम फेथ की बात करें, पांचवें पायदान पर एलिमिनेट, मात्र एक फिनिश उनके पास जाएगा। बट दिस इज बिटवीन टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स एंड टीम हाइड्रा ऑफिशियल, देखते किसका पलटा भारी। जोरो को अभी के लिए नॉक किया जाएगा, और ग्रेनेडिंग की जो क्षमता है टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की हम भली भांति परिचित है उससे। एक और बढ़िया ग्रेनेड जाएगा, वहां पर नॉक किए जाएंगे, दो प्लेयर्स वहां पर डाउन, डायनामाइट भी फिनिश हो जाएंगे। पर्व की बात करें, वो भी यहां पर फिनिश, और अब मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं, वीकर लेकर के जा रहे हैं, 17 फिनिशेस। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, वेल दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, मैं अभी से ही बता सकता हूं। बट ओरैंगुटन गेमिंग कोशिश करेंगे जोन के अंदर आने की, आज की पोजीशनिंग काफी अच्छी, पीछे दो प्लेयर कवर फायर देने के लिए। देखिए ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने तो आज पूरे बेसिक्स को फायदा उठाया है, नेड भी बहुत अच्छे देखने को मिले, स्पॉटिंग स्किल्स भी वहां पे अच्छी थी, और वहां पे साथ साथ टीम वर्क भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि टीम एक साथ रोटेट करती आपको नजर आई, एक साथ फाइट लेती आपको नजर आई। बट अब दो बेहतरीन टीमों के बीच में मुकाबला, गाड़ी ब्लास्ट में एक और प्लेयर को यहां पर नॉक करा जाएगा, AJ का शानदार स्प्रे, AJ के आज को भी नॉक करा जाता है। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स एक शानदार विनर विनर चिकन डिनर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जोन दोबारा से उनके पास, बट स्प्रे करने की गलती यहां पे मानना की तरफ से, अपने आपको ओपन में लाया, GOG के प्लेयर्स ने उनको बैटल है, बट ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के पास जोन का अनडिनाइबल एडवांटेज देखने को मिलता है। बिल्कुल इसी के साथ ओरैंगुटन गेमिंग पांच फिनिशर्स के साथ तीसरे पायदान पे एलिमिनेट, और अब एक 4v4 की फाइट हमें देखने को मिलेगी, GOG ईस्पोर्ट्स वर्सेस टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, देखना पड़ेगा किसका पलड़ा भारी। फिलहाल लीडर ओपी की बात करें, व्हीकल लेकर के ओपन में जाने की गलती, 21 फिनिशर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और मेरे ख्याल से 24 के काफी करीब आगे की तरफ जा जरूर से रहे AJ, उनको पता है कि उनके पास एक अनडिनाइबल एडवांटेज है, और ये चिकन डिनर इनएविटेबल देखने को मिल जाएगा। प्लेयर को स्पॉट जरूर से किया जाएगा, जो फिनिशर है वो भी सिक्योर होंगे। 22 का आंकड़ा छू चुके हैं, दो और वो 24 भी हमें देखने को मिलने वाले। टीम GOG हर तरफ से घेरे जा चुके हैं ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, वेल दिस मैच में जो डोमिनेशन है उनका वो हमें देखने को मिल जाएगा। वो प्लेयर अपने आप को हील कर रहा था, स्पॉट करेंगे, डाउन करेंगे, मात्र एक खिलाड़ी बचने वाला है, एंड मेरे ख्याल से वो भी शायद ज्यादा देर तक नहीं। MJ इज द ओनली मैन स्टैंडिंग ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के द्वारा, वो भी फिनिश किए जाएंगे 24 फिनिशेस के साथ इस पर्टिकुलर मैच में। वो जो विनर विनर चिकन डिनर है वो टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स लेकर के गए। आई थिंक पहले